हेलो फ्रेंड्स, आज के दिन सुजलोन एनर्जी आपके पोर्टफोलियो से गायब हुआ है। ये ऐसी न्यूज़ेस यहाँ पे आ रही हैं, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे गायब क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लगातार जो लेटेस्ट न्यूज़ सामने निकल के आ रही थी। अब आपको यहाँ से ऐसा क्या करना चाहिए कि आपको यहाँ पे लॉस ना हो। शेयर तो आपका गायब हो चुका है, लेकिन वो यहाँ पे परमानेंटली गायब नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट डेट थी अप्लाई करने की वो थी 20 अक्टूबर। तो मतलब आपके पोर्टफोलियो से अभी हटा है, लेकिन वो आपके वहीं पर है, अंदर है। वो आपको चेक करना होगा कहाँ पर, क्योंकि जो लोग यहाँ पर अब अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि अब आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन बचता है अप्लाई करने का। मैं लगातार अपनी वीडियो के माध्यम से बता रहा था कि आपके पास जो 14 तारीख की डेट है वहां तक इस शेयर की ट्रेडिंग होनी है, देन उसके बाद फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो बचता है अप्लाई का। तो अब ट्रेडिंग नहीं होनी है, जिसके मतलब से यहां पे पोर्टफोलियो से वो शेयर अभी गायब होने को दिखा है। क्योंकि आप यहां पे अभी देखें तो सुजलोन एनर्जी का जो राइट इशू था, यहां पे होल्डिंग आती थी इस जगह पे, वो अभी यहां पे गायब होती हुई दिख रही है। तो यहां पे अब कोई भी आपके पास होल्डिंग नहीं दिख रही होगी, लेकिन उसको आप चेक करने के लिए, क्योंकि जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आपको वहां पे क्वांटिटी भी फिल करनी होगी, तो वो तो आपको वहां पे देखनी पड़ेगी कि क्वांटिटी कितनी है, तब आप जाके अप्लाई कर पाएंगे। तो वो आपको कैसे पता चलेगा? अब आपका शेयर देखेगा कुछ इस जगह। पहले सबसे पहले आपको जाना होगा अपनी प्रोफाइल के ऊपर, देन प्रोफाइल में जैसे ही आप जाते हैं, प्रोफाइल का मतलब है आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इस ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको जाना होगा पोर्टफोलियो पे। जैसे ही आप पोर्टफोलियो के पोर्शन पे यहां पे क्लिक करते हैं, वैसे ही आपके सामने एक नया पेज खुलते हुए आएगा, जिसका नाम होगा होल्डिंग। जैसे ही आप यहां पे होल्डिंग में पहुंचते हैं, तो होल्डिंग के आप नीचे स्क्रॉल करते जाइए, देन आपके सामने सुजलोन एनर्जी राइट इशू का शेयर यहां पे दिखेगा, क्योंकि पोर्टफोलियो से वो गायब हो चुका है। यहां पे आपको क्वांटिटी दिख जाएगी, कितनी क्वांटिटी में आपके पास शेयर है। यहां पे मैंने ब्लर कर रखा है सिक्योरिटी के रीजन से। देन यदि आप देखते हैं यहां पे, तो आपकी क्वांटिटी आ जाएंगी, देन फिर आप उसके बाद फिर आप अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने की मैंने काफी सारी वीडियो बना दी है, जो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप इसको जल्दी अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसकी जो डेट है वो 20 अक्टूबर है। यदि आप 20 अक्टूबर तक अप्लाई नहीं करते हैं, तो फिर यहां से भी आपका जो ये शेयर है सुजलोन एनर्जी आ रही, यहां से भी गायब होने को दिखेगा। यहां पे बस उन लोगों ने इसलिए छोड़ा है कि आपको क्वांटिटी की जानकारी हो सके, कितनी क्वांटिटी में आपके पास ये शेयर है। यदि आप और भी चेक करना चाहते हैं कि कितनी आपने क्वांटिटी खरीदी थी एंड कितने पैसों पर खरीदी थी, क्योंकि यदि आप यहां पर देखें तो मैंने भी इसकी क्वांटिटी 2 बार बाई की है। एक 12 तारीख को जो की है वो 1.65 रुपये पे की है, एंड 14 तारीख को देखें तो 1.32 रुपये पे। तो कुल मिला के मेरे पास जितनी क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी को मुझे यहाँ पे ऐड करना होगा अप्लाई करते समय। देन फिर अप्लाई हो जाने के बाद फिर आप यहाँ पे इंश्योर हो पाएंगे पेमेंट करने के बाद कि अब आपने राइट इशू में फिल कर दिया है। क्योंकि ये जो राइट इशू वाला शेयर होता है, ये कोई परमानेंट शेयर नहीं होता है, ये टेम्प्री बेसिस पर शेयर रहता है जो ट्रेड करता है मार्केट में। 3 से 4 दिन इसने ट्रेड किया, देन उसके बाद अभी पोर्टफोलियो से गायब होने को देखा। तो आप इस ट्रिक को यूज़ करते हुए अपनी क्वांटिटी चेक करने के बाद अप्लाई करें, जिससे आप अधिकतम लॉस से बच सकें, क्योंकि ट्रेडिंग बंद है तो आप बेच नहीं पाएंगे। एंड एक और बात कि आपको यहां पर इक्विटी शेयर पर 5 रुपए पे करने होंगे, 2.5 रुपए आपको 2.50 रुपए अभी पे करने होंगे एप्लीकेशन के टाइम, एंड बकाया जो 2.5 रुपए है पर इक्विटी शेयर आपको बाद में पे करने होंगे। जो भी आपके क्वेश्चन है, आप नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर आ सकते हैं, देन वहां पर आप अपने क्वेश्चन रख सकते हैं। बकाया यदि वीडियो पसंद आए, लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।